हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल संजू फैंटेसी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो मैच है ना, जैकपॉट मैच है, क्योंकि फ्रेंड्स इस सीरीज का जो पहला मैच खेला गया था फ्रेंड्स, हमने उस मैच में वन साइडेड क्लीन स्वीप किया था और फ्रेंड्स मैंने उस मैच में पर्सनली 1 लाख का विनिंग किया था। और फ्रेंड्स आपको इसका प्रूफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पर सारा प्रूफ पोस्ट किया है, ठीक है। तो जाकर के ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो मैच है ना, हम लोग बात करेंगे आपके इस मैच के लिए कौन से बेस्ट ग्रैंड लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट स्मॉल लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट फैंटेसी टीम हो सकता है जिससे क्या बीजी ग्रैंड लीग में रैंक को ला सको। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में हर एक प्लेयर्स के बारे में डीपली कवर किया है कि कौन सा प्लेयर आज के मैच में चलेगा, कौन सा प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होगा, कौन सा आपका ट्रम्प पिक होगा, कौन सा आपका बेस्ट बॉलर, कौन सा बेस्ट बैट्समैन, सभी चीज़ के बारे में डिटेल से बात किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखना एंड तक, इसकी बिल्कुल ही मत करना। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए 10,000 का फ्रेंड्स मैंने रखा गिव है। गाइज, मैं सिंपल से सवाल पूछूंगा, आपको सवाल का जवाब देना है। फ्रेंड्स, अगर आपका सवाल का जवाब सही होता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में 10,000 विन कर दोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखना एंड तक, इसकी बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बात करें आज के मैच का। फ्रेंड्स, आज का जो मैच है गाइस, जो खेला जाएगा महिंद्रा राजापक्षे स्टेडियम हम्बन टोटा में। और फ्रेंड्स, आपको ये मैच खेला जाएगा दोपहर को 3 बजे से, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फ्रेंड्स आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। फ्रेंड्स, आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं वहाँ पर डेली T10, T20, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी सभी मैच कवर करता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं सभी में बैक टू बैक अल्ट्रा क्लीन स्वीप कराता हूँ। फ्रेंड्स, मैं वो गारंटी देता हूँ, आप जाकर के मेरे टीम से खेलिए, फ्रेंड्स आपका मैं सारा लॉस कवर करा दूँगा, साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं प्रॉफिट भी करा दूँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको सोमेश, अनुराग जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं फ्रेंड्स, उससे बेटर मैं टीम देता हूँ। एक बार जाकर ज्वाइन कर लो, चेक करो, उसके बाद में आप लोग खेलना, वरना आप लोग मेरी टीम से मत खेलना, ठीक है। तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो बिल्कुल फ्री में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स मैच का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है गाइज पिच। फ्रेंड्स, जो बंदा पिच को समझ के गाइज, वो यहाँ पर 90% मैच को विन करेगा। तो फ्रेंड्स पिच पर डिपेंड होता है, इसको देखना ध्यान से, इसकी बिल्कुल ही मत करना। फ्रेंड्स बात करें पिच का, तो फ्रेंड्स पिच बैटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन पिच है, क्योंकि फ्रेंड्स जो स्कोर रहता है एवरेज 290 से लेकर के 300 के बीच में है। फ्रेंड्स, अगर ओडीआई में 300 स्कोर रहता है एवरेज अगर फर्स्ट इनिंग में, तो फ्रेंड्स आराम से वो बैटिंग पिच है, बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन पिच है। फ्रेंड्स बात करें इस पिच का, हाईएस्ट टोटल जो कि 368 रन है और पिच का लोएस्ट टोटल जो कि 112 रन है। और फ्रेंड्स बात करें इस वेन्यू पर, अभी तक कुल 11 मैच खेला गया है, जहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग किया है उसने जीता है 10 बार, जो टीम सेकेंड बैटिंग यानी कि चेस किया है उसने जीता है 11। यानी फ्रेंड्स दोनों टीम में कोई भी टीम टॉस जीते पहले बैटिंग करे बॉलिंग करे कुछ खास फर्क नहीं पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स पिच बैटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन पिच है, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें इस स्टेडियम के रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू का, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर कुल 2 मैच खेला गया है, जहाँ फ्रेंड्स पहला मैच खेला गया था इस सीरीज का पहला मैच, जहाँ फ्रेंड्स बनाया था पाकिस्तान ने 201 रन। और फ्रेंड्स उस मैच में फर्स्ट इनिंग में फ्रेंड्स मिला था पेसर्स को 1 विकेट, और सॉरी पेसर्स को मिला था 9 विकेट, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अफगानिस्तान उसको चेस नहीं कर पाया, मात्र दोस्तों 59 पर हो गया था ऑल आउट। उस मैच में स्पिनर्स को मिला था यहाँ पर 10 विकेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखा जाए स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को मिला करके 10 विकेट मिल गया, तो यार यहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स फ्रेंड दोनों को ठीक ठाक हेल्प है, तो आपको दोनों को लेकर के चलना है साथ में। और फ्रेंड्स एक और मैच खेला गया था इसी साल का, मतलब अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, जहाँ पर फ्रेंड्स पहले बनाया था बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 116 रन और गाइस इसको श्रीलंका चेस कर ले 120 बना करके। गाइस उस मैच में फ्रेंड्स मिले थे पेसर्स को 10 विकेट और फ्रेंड्स मिले थे स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। यानी फ्रेंड देखा जाए, देखिए ये तो बहुत पुराना मैच है, दोस्तों न्यू मैच देखा जाए तो इस सीरीज का, इसी दोनों टीम्स के बीच का, तो फ्रेंड दोनों मैच में आपको पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को विकेट मिलना था और फिर से विकेट मिलेगा दोनों को, ठीक है। तो दोनों को आपको कमाल करके लेकर चलना है। और फ्रेंड्स बात करें हेड टू हेड, तो फ्रेंड्स अभी तक कुल यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में गाइस 5 मैच खेला गया है और फ्रेंड्स 5 के 5 जीता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्ट काफ़ी भारी है, तो चांस है कि इस मैच को पाकिस्तान विन कर सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर पाकिस्तान बैटिंग करके फर्स्ट में अगर 250 बना देती है या फिर 300 बना देती है, तो फ्रेंड्स आसानी से पाकिस्तान मैच को विन कर देगा, ठीक है। फ्रेंड्स बात करिए अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का, तो फ्रेंड्स हमारा फ़खर जमान हो जाएगा, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अगनास सलमान, इफ्तिकार अहमद, सदाब खान, उसामा मीर, साइंस अफरीदी, नसीम शाह, आपको हरी श्रॉफ, आपके ये हो सकते हैं प्ले 11। बाकी फ्रेंड्स कुछ चेंज होंगे तो आपको उसका मिल जाएगा अपडेट टेलीग्राम पर, तो जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब अगर बात करें अपन प्लेयर स्टेट्स के बारे में तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार कौन से प्लेयर फॉर्म में है, कौन से प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, किसको ले किसको ड्रॉप करे, कौन ट्रंप पिक है, फ्रेंड्स सब कुछ डिपेंड होता है कहाँ पर स्टेट्स पर। तो फ्रेंड्स ये भी देखना ध्यान से। तो फर्स्ट हमारे गाइस फकर जवान जो कि भाई लास्ट मैच खेला फ्लॉप मात दो रन बनाया, उससे पहले 33-14-19-180 यानी फ्रेंड्स जब इसने बनाया था 180 उसके बाद से फिर लगातार चार मैच फ्लॉप हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये बैटिंग पिच है और भाई अगर चलेगा तो रन करे कम से कम दे देगा, तो आपको ट्रंप पिक फ्रेंड्स आज के मैच में आपके साबित हो सकते हैं फकर जवान, आप लोग ट्राई करो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा फ्रेंड्स हमारे इमामुल हक जो कि भाई आज 100% फ्लॉप होगा गारंटीड है, लास्ट में 61 बनाया था और इनका दोस्तों देखा जाए तो वेन्यू पर अच्छा मतलब कि खास रिकॉर्ड है अच्छा खासा, लेकिन फ्रेंड्स आज फ्लॉप होगा, आप लोग इसको थोड़ा रिस्क लेकर ड्रॉप कर दो ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बाबर आजम जो कि भाई लास्ट में खाता भी नहीं खोल पाया था, लेकिन भाई ये बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, बैटिंग के लिए बहुत बेहतरीन पिच भी है और दोस्तों आज कम से कम 30 रन तो करेगा और आपको ये अच्छा पिक हो सकता है ठीक है, तो उसको ट्राई करो। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद रिजवान जो कि भाई अभी अच्छा है प्लेयर है, अच्छे टच में नजर आए थे लेकिन दोस्तों कुछ खास भी नहीं कर पाए, लास्ट में भी फ्लॉप हुए थे 21 रन बनाए थे, लेकिन फ्रेंड्स लास्ट में सब फ्लॉप हुआ था, सिर्फ आपका इमामुल हक ही चला था उस मैच में। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर है सलमान का देखा जाए भाई तो 7 रन बनाए भी फ्लॉप हुआ, तो भी कुछ खास नहीं है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते, वन स्मॉल लीग में सेफ नहीं है। इफ्तिकार अहमद जो कि भाई अच्छे टच में नजर आए थे, आपको मिड ऑर्डर से बैटिंग करके दे सकते हैं, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, भी काफ़ी इसका कम सिलेक्शन होने वाला है तो ट्रंप पिक होगा आपको, इसको याद रख लो, जीएल में आप लोग उसको कैप्टन भी बना सकते हो ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा शादाब खान जो कि भाई मोस्ट पिक ऑलराउंडर से आपको जो बैटिंग बोले दोनों से पॉइंट्स करके देगा आपको, तो इसको मोस्ट पिक इसको ड्रॉप करने का कोई चांस ही नहीं, इसको तो टीम में रखना चाहिए, जीएल में रखो या फिर एसएल दोनों में रखना है। नेक्स्ट हमारा उसामा मीर का देखा जाए भाई एक मैच खेला विकेट मिलेगा नहीं, लेकिन फ्रेंड्स ये भी अच्छा बॉलर है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, इसने काफ़ी अच्छा किया था 100 में, तो आप लोग ट्राई करो शायद अच्छा पिक हो जाए ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइंस अफरीद जो कि भाई इसको भी ड्रॉप करना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मेन बॉलर पाकिस्तान का, उसको भी टीम में रखना है, और नसीम शाह इसको भी टीम में दोनों को आपको रखना, नसीम शाह को आप लोग रिस्क ले सकते हो क्योंकि लास्ट मैच में एक विकेट निकाला था, अगर फ्रेंड नसीम शाह को ड्रॉप करते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लेना पड़ जाएगा, या तो लो आप लोग उसामा मीर को आप लोग ले सकते हो, शायद कहीं अगर दो विकेट निकाल दे फ्रेंड्स तो आपको भी क्लीन स्वीप फिर से करा देगा वन साइड ठीक है, तो उसको ट्राई करो शायद बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हरीश रॉफ जो कि भाई भी मेन बॉलर है, 5 विकेट निकाला था लास्ट मैच में और ये भी इसको भी टीम में रखना है, ड्रॉप नहीं करना है ठीक है। अब गाइस बात करें अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 का, तो रामोंदोल गुरबाज, इब्राहिम जदरान, रामत शाह, शहीदी इक्रम आईखेल, मोहम्मद नबी, अब्दुल रहमान, ए उमर जाई, रशीद खान, फाजुल फारूकी, मुजीबुर रहमान, आपके ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 अफगानिस्तान के। बाकी फ्रेंड्स कुछ चेंज होंगे तो आपको उसका मिल जाएगा अपडेट टेलीग्राम पर, तो जाकर के ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है टेलीग्राम का। और फ्रेंड्स बात करें इसके स्टेट्स के बारे में पाकिस्तान के, तो फ्रेंड्स हमारा है आर गुरबाज, भाई गुरबाज फिर काफ़ी ताबड़तोड़ बैट्समैन है फ्रेंड्स, अगर ये संभाल खेला तो भाई अच्छा कर देगा, वरना फ्रेंड्स ये जल्दी आउट हो जाता है। क्या देखिए अगर आप लोग इसको लेते तो फ्रेंड्स आपको ड्रॉप करना पड़ जाएगा फकर जमान या फिर बाबर आजम को, दोनों में से किसी को ड्रॉप करना पड़ जाएगा, या फिर मोहम्मद रिजवान को, देखिए भाई काफ़ी रिस्की है, लेकिन आप लोग रिस्क टेकर हो अगर ग्रैंड लीग में लेना चाहते हो तो इसको आप लोग ले सकते हो ठीक है बाबर आजम को जगह पर। नेक्स्ट हमारा है जदरान में भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, लेकिन लास्ट मैच खाता नहीं खोल पाया था और उनका वेन्यू का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है भाई, 4 मैच खेला 174 बनाया, लेकिन फ्रेंड्स बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन पिच है, तो आप लोग इसको लो, इस भी ट्रंपिंग आपको साबित हो सकता है ठीक है जदरान। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है रहमत शाह, ये भी ठीक ठाक ऑलराउंडर है, लेकिन दोस्तों हुआ था फ्लॉप लास्ट मैच में, तो इसे कुछ खास उम्मीद मुझे नहीं है दोस्तों, क्योंकि 4 मैच खेला वेन्यू पर मात्र 98 बनाया कि विकेट लिया, तो कुछ खास उम्मीद नहीं है, इसको टीम हटा देंगे। नेक्स्ट हमारा शाहिदी का देखा जाए भी इससे कुछ खास उम्मीद नहीं है भाई, इसका देखा जाए तो 4 मैच खेला बनाया 99 रन और 0-22-2-9-22 भी कुछ खास नहीं किया, जिसको भी हम लोग दोनों को टीम से ड्रॉप कर देंगे, वरना आप लोग चाहो तो जीएल में इसको ट्राई कर सकते हो ठीक है दोनों को भी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है इकरामिन अली खेलिंग का देखा जाए, एक मैच 4 विकेट निकाला है, 4 रन किया है लास्ट मैच में और अभी कुछ खास नहीं किया, तो इसको भी टीम से हम लोग ड्रॉप कर देंगे, लेकिन कहीं अगर ड्रॉप ऑर्डर फ्लॉप हो अफगानिस्तान का तो आपको ये नीचे से रन करके दे सकता है, क्योंकि फिर नीचे से 40 रन 34 और 34 बनाया है, तो इसको हम लोग ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद नबी का देखा जाए 5 मैच खेला है, 82 रन बनाया, 4 विकेट निकाला है और वेन्यू पर 4 मैच खेला है, 62 रन बनाया, 5 विकेट निकाला, भाई आपको भले बैटिंग से पॉइंट ना दे लेकिन फ्रेंड्स आपको विकेट से पॉइंट देगा, तो इसको टीम में रखना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर गाइज अब्दुल रहमान का देखा जाए तो भाई 1 मैच खेला, 14 रन बनाया, विकेट मिला नहीं है, तो कुछ खास ये भी नहीं किया है, तो बोलो इसको भी ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स ट्राई करो ट्रंप पिक आपको साबित ये हो सकता है इसके मैच में ठीक है। नेक्स्ट हमारा ए उमर जाई इनका देखा जाए 1 मैच खेला, विकेट इनको मिला नहीं, विकेट लेस गए थे, उनका देखा जाए वेन्यू पर 3 मैच खेला, 28 रन बनाया, मात्र 1 विकेट लिया, तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, तो हम इसको साइड कर देंगे।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राशिद खान जो कि भाई स्पिनर है और मेन बॉलर है पाकिस्तान का, सॉरी अफगानिस्तान का, तो इसको टीम में रखना बनता है, इसको टीम में ड्रॉप नहीं करेंगे, टीम में हम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाजल फारूकी, इनका देखा जाए एक मैच खेला एक विकेट निकाला है, चार मैच खेला वेन्यू पर तीन विकेट निकाला, तो इसका भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, बट दोस्तों अभी कम से कम दो या तीन विकेट निकाल के भाई दे सकता है कहीं अगर चल गया तो ट्राई करो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा मुजीबुर रहमान, इनका देखा जाए भाई इसने तीन विकेट निकाला था लास्ट मैच में और अच्छा बॉलिंग किया था और बहुत पॉइंट्स दिया था, तो आप इसको जेल में भी कैप्टन ट्राई कर सकते हो, आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने एनालाइज कर लिया, चलिए अब टीम को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर टीम को बनाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास में यहाँ पर चार ऑप्शन है विकेट कीपर का, मोहम्मद रिजवान, गुरबाज, अखिल और हैरिस तो खेलेंगे नहीं, इसको हटाते हैं। तो यार रहमान तो ठीक, रिजवान सॉरी आपको सेफ है, अच्छा पॉइंट्स देंगे। गुरबाज भाई ये चला तो भाई बहुत रन्स मारेगा और नहीं चला तो जीरो आउट हो गया, फिर फ्लॉप ही होगा, तो थोड़ा रिस्की है गुरबाज को, आप लोग गुरबाज को ट्राई करो लेकिन जीएल में, बट मैं रिजवान को लेकर चलूँगा, ठीक है। आते बैट्समैन में तो बाबर आजम लास्ट मैच हुआ था फ्लॉप, लेकिन आज भाई चलेगा बाबर आजम लेंगे। फखर जमान भी अच्छा पिक है, इसको भी ले सकते हो, ट्रंप पिक साबित हो सकता है आपको फखर जमान। जदरान भी ट्रंप पिक है, इमामुल हक जो कि सेफ है लेकिन आज फ्लॉप होगा। रहमत शाह भी भाई अच्छा प्लेयर है, इफ्तिकार अहमद, शाहिदी भाई काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन एक बाबर आजम हो जाएगा। दूसरा मैं लूँगा फ्रेंड्स आज के मुझे रहमत शाह को, मुझे लगता है कि यार कुछ आज करेगा रन्स और अच्छे प्लेयर है, तो रहमत शाह को लूँगा और यहाँ पर लूँगा मैं फखर जमान को, ठीक है। मैं यहाँ पर दो लूँगा, तीन लूँगा बैट्समैन, ठीक है। बाकी जदरान को मैं कर रहा हूँ ड्रॉप, कुछ खास नहीं, इमामुल हक फ्लॉप होगा गारंटीड है, तो इसको मैं लूँगा नहीं, तुम्हारे हो गए तीन बैट्समैन। इफ्तिकार अहमद को ले सकते हो, अगर फ्रेंड इसको लेना होगा तो किसी हमको बाद में देखते हैं, अगर कहीं होता है इसको बाद में इसको ट्राई करेंगे, फिलहाल इसको हम लोग इसको पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। आते ऑलराउंडर्स में तो हमारा शादाब खान रहेगा नो डाउट, मोहम्मद नबी रहेगा, दो ठो ए सलमान को ले सकते हो और ए रहमान, दो को आप लोग लो एज अ ट्रंप पिक में ले सकते हो सभी, वरना फ्रेंड कुछ खास भी नहीं है, दोनों को हम लोग साइड कर दें, ठीक है। तो हमारा दो हो गया यहाँ पर अफगानिस्तान के प्लेयर्स ही ऑलराउंडर्स, शाहिन अफरीदी, राशिद खान, हरी श्रॉफ, मुजीबुर रहमान, थोड़ा सा डाउट है मुझ पर, इसको थोड़ा सा डाउट है मुझे, नसीम शाह नहीं, उमर जाहिद, कुछ उसामा मीर, वैसे मैं लूँगा उसामा मीर को, मुझे लगता है कम से कम एक दो विकेट निकाल देगा भाई, उसामा मीर को ले लूँगा, या फिर इसका जगह आप लोग ले सकते हो जैसे इफ्तिकार अहमद या फिर सलमान ए रहमान। ए रहमान का भाई लोग कहीं अगर भाई विकेट कुछ निकाल दिया, कुछ रन कर दिया, तो आपको शायद हो सकता है ट्रंप पिक, मैं इसको ए रहमान को लूँगा, काफ़ी रिस्क लूँगा मैं बड़ा। और हमारा तीन विकेट बॉलर्स मेन मुजीबुर रहमान मैं रिस्क ले रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई बॉलर्स मेरे पास तो है नहीं ऑप्शंस, फाजुल्ला फारूकी है, फारूकी और रहमान किसी को लेना, फारूकी को मैं लूँगा और रहमान को मैं ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा टीम बनकर रेडी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरा टीम बनकर रेडी है। आप गाइज यहाँ बात करें कैप्टेंसी के लिए, तो सेफ जाना गाइज, सेफ के लिए तो बिल्कुल बाबर आजम बिल्कुल सेफ है, फिर से कैप्टेंसी काफ़ी लोग ट्राई करेंगे, और उसके बाद सेफ हमारे यहाँ पर है शादाब खान, बेस्ट है। वाइस कैप्टन क्रिस की कैप्टेंसी की बात करें रिस्की में, तो रहमत शाह को ट्राई करो, फखर जमान को ट्राई करो, भी अच्छा बैट्समैन है, रन करके दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ट्राई करो सेफ वाइस कैप्टेंसी में, ट्राई करो साइंस अफरीदी सेफ है, राशिद खान सेफ है बिल्कुल वाइस कैप्टेंसी के लिए। रिस्की वाइस कैप्टेंसी के लिए फ्रेंड्स आपको ए रहमान को ट्राई करो रिस्की वाइस कैप्टेंसी, और फिर ट्राई कर सकते हो रिस्की में आप लोग यहाँ पर फाजुल्ला फारूकी को, ठीक है। बाकी हरीश राव भी बेस्ट आपको कैप्टेंसी का ऑप्शन है और वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल ये मेरा टीम है गाइज, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पर, तो जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।